हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। हमने पिछले वीडियो में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में बात किया था, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी थी जो कि नेशनल लेवल भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देती है, रेकमेंड करती है कि किस तरीके से आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में या फिर आज का हमारा टॉपिक वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड है, यानी कि नेशनल लेवल में हमने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ देखा, लेकिन स्टेट लेवल में अगर स्टेट गवर्नमेंट को, जो स्टेट के राज्य के गवर्नमेंट्स होते हैं, उन्हें अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कोई एडवाइस देता है तो वो वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड है। आइए वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने कहा, ट्रिक याद कीजिएगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक एक्ट से यह पावर लेता है, और वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन से है, तो जाहिर सी बात है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ही जो है इसे पावर देता है। तो ये वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स भी जो है वो स्टेट लेवल पर होते हैं या फिर यूनियन टेरिटरी के लेवल पर जो है वो होते हैं, ताकि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट्स को रिकमेंड कर सके कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सकता है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मैंडेट्स द स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ही यह कहा गया था कि आप जो है चाहिए कि हर स्टेट में एक वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड आप कॉन्स्टिट्यूट करें, यानी कि आप बनाएं हर स्टेट में एक, ताकि स्टेट की सरकारों को जो है, स्टेट के गवर्नमेंट्स को जो है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम सही तौर पर एडवाइस मिले, डाटा वगैरह सब जो है सही तौर पर आपको मिले। तो इस वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड के जो कि स्टेट और यूटी के लेवल पर होते हैं, इसके मेंबर्स कौन हैं? सबसे पहला मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर कहते हैं, फिर फॉरेस्ट मिनिस्टर जो कि स्टेट के फॉरेस्ट मिनिस्टर होते हैं, इज द चेयरमैन। ऑफकोर्स चीफ सेक्रेटरी विल बी द चेयरमैन इफ द मिनिस्टर पोस्ट इज वेकेंट। अगर मिनिस्टर साहब नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी जो होंगे सरकार के उस राज्य के, वो जो है इसके चेयरमैन होंगे, और बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं वो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट वो चेंज होते ही रहते हैं। ड्यूटीज, भाई हमने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में भी देखे कि इंपॉर्टेंट ड्यूटीज क्या थे, तो इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड के भी ड्यूटीज क्या हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। दे एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट इन, जैसे कि मैंने कहा कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भारत सरकार को एडवाइस देता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। तो किस तरीके की एडवाइस? सेलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरियाज टू बी डिक्लेयर्ड एज सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड क्लोज एरियाज। हमने ऑलरेडी सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर वहां पर देखें। और वहां पर हमने देखा कि सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स जो है वो स्टेट के गवर्नमेंट्स ही अनाउंस करते हैं, और बहुत ही रेयर है जब भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है। तो जब वो अनाउंस करती है तो कितना एरिया होना चाहिए, कितनी टेरिटरी को जो है आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह अनाउंस करेंगे, नेशनल पार्क की तरह अनाउंस करेंगे, ये डिसीजन जो है वो रिकमेंडेटरी है, जो कि हमें वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड से आता है। फॉर्मुलेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड स्पेसिफाइड प्लांट्स। तो किस तरीके से उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या फिर नेशनल पार्क में आप कौन से स्टेप्स लेंगे, खासकर स्टेट की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेप लेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि स्टेट का है, किस तरीके के कंजर्वेशन मेजर्स वगैरह लेना है, पॉलिसी क्या है खासकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर, ये सभी ए टू जेड जो है वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस करता है। मेजर्स टू बी टेकन फॉर हार्मोनाइजिंग द नीड्स ऑफ ट्राइबल्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स विद द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ताकि ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, यानी कि जो कि फॉरेस्ट पर ज्यादातर डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, इनके लाइवलीहुड को किसी भी तरीके का मारना पड़े जस्ट बिकॉज यू हैव अनाउंस्ड सम एरिया टू बी अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, और वहां पर ह्यूमन इंटरेक्शन रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो ऐसे में उनका रिहैबिलिटेशन किस तरीके से होगा, उनका लाइवलीहुड वगैरह क्या होगा, और साथ में इन ये जो कोर जोन और बफर जोन होता है, इनके बीच जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं वो किस तरीके से हार्मोनी के साथ जो है जी सकते हैं, इन एनिमल्स के साथ, वाइल्ड लाइफ के साथ, इसके बारे में भी वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड बात करता है। एनी मैटर दैट मे बी रेफर्ड टू इट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई भी अलग इंपॉर्टेंट मैटर है खासकर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन को, कंजर्वेशन को लेकर, स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो कोई भी स्टेट हो, वो वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड से मांग सकती है उनकी एडवाइस। अगेन ये भी रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है, यानी कि जो कोई भी एडवाइस जो वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स देते हैं वो रिकमेंडेटरी नेचर है, मैंडेटरी नहीं है। अगर स्टेट्स के गवर्नमेंट्स चाहें तो उन्हें फुलफिल करें, अगर नहीं चाहें ये भी उनकी मर्जी। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।